अरे ये तो हमारे साथ गाड़ी है। पापा ये तो उनकी गाड़ी है जिनके घर पर आप काम करते हो। हाँ बेटा मैं अभी आता हूँ। अरे ये तो मैम साहब है, ये इधर कहाँ आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। ये तो मैम साहब गलत कर रही हैं, मुझे ये सब मालिक को बताना पड़ेगा। ये लो 10 लाख रुपए। इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कहाँ से ले आई तुम? तुम मेरा प्यार हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक नेकलेस लेकर आए थे, मैंने वो बेच दिया। और तुम्हारे पति उस नेकलेस के बारे में पूछने लगे तो? दिमाग बहुत है मेरे अंदर, किसी पर भी इल्जाम लगा दूंगी। और मैंने तुम्हें वो बात बताई थी, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? हाँ सोच लिया, मैं किसी भी तरह अपने हस्बैंड से उन कंपनी के कागजों पे साइन करा के उस कंपनी को बेचकर हम लोग कनाडा चले जाएंगे। ध्यान रहे तुम्हारे पति को किसी बात का पता न चल पाए। तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ी तुम अपने पति को भी खत्म कर सकती हो। उसे मारने की जरूरत नहीं है, जब उससे कंपनी छिन जाएगी तो खुद ही वो सदमे से मर जाएगा। ठीक है अब मैं चलती हूँ। अरे तू, अरे क्या हुआ? वो पता नहीं हमारी कब से वीडियो बना रहा था। किसी से बोलेगा तो नहीं ये? और क्या, वीडियो उसने मनोरंजन के लिए बनाई है, ये मालिक का वफादार है, उनको जाकर जरूर बोलेगा। जल्दी पीछा करो उसका। घबराओ मत, आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, हम इसे घर पर चलकर ही मार देंगे। चलो मालिक, मालिक आपकी जान को खतरा है। आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। अरे यहाँ तो मालिक है ही नहीं। चल बे, वीडियो डिलीट मार। नहीं मुझे मेरे मालिक को बचाना है। बहुत वफादार है ना तू मालिक का। चल ऊपर पहुँच, कुछ दिन बाद तेरा मालिक भी तेरे पास ऊपर ही आ जाएगा। पहले इससे इसका मोबाइल ले लो। इसको मार देती है क्योंकि इसके मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ इसको पता होगा, और इसके मरने के बाद मोबाइल तो बेकार है। हाँ ये भी ठीक है, इसको मरने के बाद इसके मोबाइल का लॉक जो भी तोड़ेगा तो पुराना डाटा सारा उड़ जाएगा। हेलो आराम, क्या हुआ तुझे, तू ये बोल क्या दे रहा है? मालिक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरी बात का यकीन करना, मेरे पास समय बहुत कम है। रामू बोल कहाँ है तू, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। नहीं मालिक तब तक बहुत देर हो जाएगी। हाँ बोलो रामू बोलो। आप मेरे फोन में वीडियो देखना, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इसका पैटर्न जूता। रामू पैटर्न जूता क्या, कुछ तो बोल रामू। मालिक जो होना था वो हो गया, संभाली अपने आप को। बहुत अच्छा आदमी था, इसके जाने का दुख हमें भी है। मैं कैसे भूल गया हूँ, वो मेरी बहुत चिंता करता था, मरते मरते भी मुझे कुछ बताना चाहता था। शायद मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी जो वो मुझे नहीं बता पाया। क्या बताया उसने, और कुछ बोला? नहीं उसने और कुछ नहीं बोला, वो मोबाइल में वीडियो देखने के लिए बोल रहा था और इसका लॉक का मुझे पता नहीं। इसका मतलब मोबाइल के लॉक के बारे में कुछ नहीं बता पाया? नहीं। ये भी छोड़ो। ये क्या बोल रही हो काजल, क्या मतलब? मेरा मतलब कि अच्छा नहीं हुआ, आप ये मोबाइल मुझे दे दीजिए, मैं इसका लॉक तोड़वा कर लाती हूँ। नहीं ये मेरी रामू की आखिरी निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये लो साहब आपके जूते पॉलिश हो गए हैं। ठीक है बेटा इन्हें वहाँ पर रख दो और ये पुराने वाले जूते ले जाओ। साहब
साहब, मेरे पापा की मौत के बारे में कुछ पता चला? किसने मारा मेरे पापा को? नहीं बेटा, अभी पुलिस छानबीन कर रही है। तुम ये जूते लेकर चले जाओ, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सुनते हो जी? क्या हुआ? मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है। अरे देखो, यही कहीं होगा, अभी तो तुम्हें 20 लाख का दिलाया ही था। अरे कहीं नहीं मिल रहा, मैंने हर जगह देख लिया। घर पर और कोई भी आया था क्या? नहीं, और तो कोई नहीं आया। हाँ, पर वो मोची आया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो रामू का बेटा है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो उससे पूछ लेना आराम से, कहीं अकड़ के पूछो। ठीक है, मैं अभी मैनेजर के साथ जाती हूँ और उससे पूछ कर आती हूँ। आज इस मोची को ऐसे सबक सिखाना है कि हमारी हवेली पे आना भूल जाए। इसे वहाँ आने में हमें खतरा है, ये वहाँ नहीं आना चाहिए। क्या हुआ मैम साहब? अभी साहब के जूते पॉलिश नहीं हुए हैं। मैं यहाँ जूते लेने नहीं आई हूँ। सच बता, तू मेरे घर आया था ना? नेकलेस तो नहीं चुराया तूने मेरा? ये क्या बोल रही हूँ मैम साहब, मैं तो जूते देने आया था और साहब के जूते लेकर चला गया। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को रहने दो, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, आज के बाद हमारी हवेली पे मत आना। क्यों मैम साहब? क्योंकि तू चोर है, चोरी करता है, और किसी चोर के कदम हमारी हवेली पे नहीं पड़ने चाहिए। रुको मैम साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने चोरी की है। मैंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे जवान लड़ाएगा। चोरी और जवान चोरी, तुम रुको अभी, मैं इसे अभी सजा देता हूँ। अरे ये केयर क्लास साहब जी के जूते से, मुझे लगता है ये काम को होगा, मैं उन्हें जाकर दे देता हूँ। हाँ बेटे, कैसे आना हुआ? साहब जी आपके जूते से ये निकला है। अरे बेटा, ये तो किसी के मोबाइल का पैटर्न लॉक है, ये मेरे जूते से निकला था। जी साहब जी। अब समझा, ये मेरे वफादार नौकर ने रखा है, वो मरने से पहले कुछ जूता लॉक की बात कर रहा था, उसने लॉक का ड्राइंग बनाकर मेरे जूते में रख दिया। मेरे उस वफादार साथी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस बच्चे को अनाथ छोड़ दिया। तू, तुझसे तो मैंने कहा था हमारी हवेली पे कदम मत रखना। काजल, ये बहुत जरूरी काम से आया है। आपको पता नहीं, ये चोर है, इसने नेकलेस चुराया है, इसको एक खींच के मारिए और इसे यहाँ से अभी बाहर निकालिए। हाँ अभी मारता हूँ। ये क्या किया आपने? पागल हो गए हो क्या? मारना मोची को था पर आपने इनको मार दिया। थप्पड़ इसे पड़ा और दर्द तुझे हो रहा है क्यों? चलो अब मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो क्या है ये? ये तो वही है जो तुमने देखा है। तुमने मुझे बर्बाद करने का प्लान बनाया था और एक निर्दोष नौकर की जान भी ले ली। तो तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम्हें भी उसी नौकर के पास पहुंचा देते हैं। नीच औरत, तो ये है तेरी असलियत, अपने आशिक के लिए अपने पति को मरवाना चाहती है। देर मत करो, जल्दी मार। रुक जाओ। दरोगा सर आप यहाँ? मुझे पता था तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने दरोगा साहब को पहले ही फोन कर दिया था। चल बे, पिस्टल नीचे रख। तुमने एक निर्दोष नौकर की हत्या की है और अपने पति के साथ रोड किया है, तुम दोनों को तो बहुत बड़ी सजा होगी। दरोगा साहब, ले जाओ इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से। आज से मेरा सब कुछ इस बच्चे का है, क्योंकि इसके बाप ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। चलो। एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इस मोबाइल का लॉक आपने कैसे खोला? इस मोबाइल का पैटर्न चित्र साहब जी के जूते में निकला था और वो मुझे मिल गया, मैंने इनको लॉक दे दिया।
तुमसे अच्छा तो वो नौकर निकला जो मरते मरते भी तुम्हारा असली रंग दिखा रहा है। तो उस जूते की वजह से फंसे हैं हम। उस जूते ने तो इस बच्चे की किस्मत बदल दी और तुम्हारी किस्मत मैं जेल में बदल दूंगा। दरोगा जी, इन दोनों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इन दोनों को फांसी हो। मैं सलूट करता हूं तुम्हारे नौकर को जो मरते मरते भी अपनी वफादारी दिखा गया। मुझे माफ नहीं करोगे, मुझसे भूल हो गई थी, मैं इस मैनेजर की बातों में आ गई थी। तुझसे अच्छा तो वो जूता है जिसने इस बच्चे की जिंदगी बदल दी। चल बेटे, तू मेरे साथ चल, मेरी कंपनी संभालना और मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा तू। दरोगा साहब, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ।